आज हम जो आपको घरेलू उपाय बताने वाले हैं, ये घरेलू उपाय फायदा करेगा सभी प्रकार की गैस, एसिडिटी, तेजाब, खट्टी मीठी डकार आना, पेट फूलना, खाने खाते ही पेट भारी हो जाना, बदहजमी होना, खाना खाते ही कलेजा भारी हो जाना, कलेजे में जलन होना, या फिर कई बार अचानक पेट में दर्द हो जाता है किसी प्रकार के, जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो उस समय हमारे पेट में जलन होती है, दर्द होता है, अफारा आ जाता है। तो उस समय अगर आप इसका आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले लेते हो तो आपका पेट का दर्द, बदहजमी, गैस तुरंत ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही कारगर है और ये फार्मूला आपको आपकी रसोई में ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, कोई भी चीज़ आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसके अंदर हमने चार चीजें मुख्य रखी हैं और चार ही चीजें आपको लेनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या लिया है, ये देखिए 20 ग्राम हमने साबुत जीरा लिया है। आपके घर में पता होगा जो भी खाना बनाते हैं उसके अंदर जीरे का छोंक लगता है, तो जीरा हमने इसके अंदर लिया है 20 ग्राम। और 20 ग्राम हमने लिया है सौंठ पाउडर, ये हमारा घर का बनाया हुआ सौंठ पाउडर है। तो हमने 20 ग्राम की मात्रा इसमें रखी है, बराबर मात्रा ली है 20 ग्राम जीरा साबुत और 20 ग्राम सौंठ। और 20 ग्राम हमने लिया इसके अंदर सेंधा नमक, आप सेंधे नमक की जगह काला नमक भी ले सकते हो, वो भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और 20 ग्राम हमने इसके अंदर ली है, देखिए हींग, 20 ग्राम हींग ली है। अभी हमें करना क्या है, इन चारों चीजों में से जो साबुत जीरा है और हींग है इन दोनों चीजों को हमें पहले भून लेना है। भूनने के बाद इन चारों चीजों को मिक्स करना है। तो चलिए पहले इसको, जीरे को और हींग को भून लेते हैं। अभी एक बर्तन को हमने गैस पर चढ़ा लिया है, आप जीरे को तवे पर भून सकते हैं, हींग को भी तवे पर भी भून सकते हो। तो इसको डाल देते हैं और इसको पहले भून लेते हैं। जीरे को पूरा नहीं जलाना है, काला नहीं करना है, इसको अध कच्चा ही आपको भूनना है तभी अच्छे से फायदा कर पाएगा। तो देखिए अभी जीरा करीब अध कच्चा भून चुका है, अभी इसको उतार लेते हैं। जीरा हमने दूसरे बर्तन में डाल दिया है, अभी हम भूनने वाले हींग को, हींग भी इसके अंदर छोड़ देते हैं। इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। अभी हींग को भी हमने भून करके उतार लिया है, अभी हम करेंगे क्या, जीरे को थोड़ा कुटाई कर लेते हैं इसकी, और हींग की भी बारीक कुटाई कर लेते हैं। अभी जीरे और हींग की हमने बिल्कुल अच्छे से पिसाई कर ली है, अभी उसको चारों चीज़ों को, सौंठ पाउडर को, नमक को, जीरे को और हींग को एक जगह पर इकट्ठा मिला देते हैं। अब इन चारों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी चारों चीजें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी आप इसको, अगर किसी को भी गैस बनती हो, एसिडिटी बनती हो, अफारा आता हो, भूख कम लगती हो, खट्टी मीठी डकार आती हो, खाना खाते ही बदहजमी हो जाती हो, पेट में दर्द रहता हो, हल्का मीठा मीठा दर्द हमेशा बना रहता हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आधा चम्मच इस फक्की का गुनगुने पानी के साथ लीजिए, आपकी तुरंत गैस बाहर निकल जाएगी और आपको पेट के अंदर बिल्कुल अच्छे से रिलीफ मिल जाएगा। और पेट भी आपका अगर टाइट रहता है तो वो भी आपका हल्का हो जाएगा पेट। इस पाउडर को आप वैसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हो, लस्सी या छाछ में, दही में भी ले सकते हो, और आप इसको सलाद के ऊपर भुर्क के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही कारगर फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है, रसोई में बनने वाला है, कम खर्चीला है। तो आप इसको अपने घर में जरूर बना कर रख लीजिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हो। तो दोस्तों इस फार्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।